सुनो साहब आप हाँ ऐसे ऑटो ये चलाएगा चाबी से दे दो साहब अचानक से। अरे यार एक तो तुम लड़की हो, हजार तुम्हारे नाटक हैं, मैं नहीं झेल सकता रोज रोज ये, चाबी दो इसे। लेकिन साहब अरे यार सुबह तुम अपने टाइम से आती हो, दोपहर को तुम्हें 2 घंटे का ब्रेक चाहिए, रात को 7 बजे के बाद तुम्हें चलाना नहीं है। साहब आपको तो पता है ना वो रात में सेफ नहीं होता इसलिए नहीं चलाते हैं। साहब ऐसा मत करिए साहब, ये नौकरी में मैंने समाज सेवा थोड़ी खोली है तुम्हारे लिए, चाबी इसे दो चलो। साहब आप एक बार रात को ऑटो चला सकती हो? नहीं साहब। तो ये चला सकता है, इसे चाबी दे दो। अरे लाओ चाबी। अरे दो यार, ले भाई चला हटो। सर वो जो आपने उस लड़की की जगह नया ऑटो वाला रखा था ना? हाँ। और सर उसके जो 3-4 साथी और आए थे काम करने, सर वो सब ऑटो लेके भाग गए। क्या? हाँ सर, मैं 3-4 दिन से उनको फोन मिला रहा हूँ लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो तू मुझे अब क्यों बता रहा है? तब नहीं बता सकता था? सर मुझे लगा कहीं इधर उधर गए होंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन सर अब ऑटो का भी कुछ पता नहीं चल रहा और उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है मैं आता हूँ। भैया साकेत पुलिस स्टेशन चलोगे? साहब आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और पुलिस स्टेशन वो क्या है? तो तुम्हें नौकरी से निकालने के बाद मैंने जिसको अपना ऑटो चलाने को दिया था वो फ्रॉड निकला। क्या साहब? कुछ टाइम तक तो उसने सही काम किया लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने साथ कुछ और भी लोगों को ले आया और बोला कि इनको भी नौकरी पे रख लो, ये भी रात रात को काम करेंगे। मैंने पैसों के लालच में सबको रख लिया और एक दिन वो सारे ऑटो लेके गायब हो गए और अभी पता लगा कि वो एक गैंग था जो ऐसे चोरी करते हैं। अब ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। मैंने पैसों के लालच में तुम्हें नौकरी से हटा दिया और ऐसे लोगों पे भरोसा कर लिया जो भरोसे लायक ही नहीं थे। बहुत गलत किया उस आदमी ने। खैर छोड़ो, तुम ये ऑटो चलाती हो? जी साहब। चलो अच्छा है, तुमने किसी का ऑटो लेके अपना काम तो चालू किया। नहीं नहीं साहब, किसी और का ऑटो नहीं है ये, हमारा ही ऑटो है। क्या सच में? जी साहब, फिर जब आपने हमें काम से निकाल दिया था तो हमें एहसास हुआ कि अगर हम किसी और का ऑटो लेके फिर से काम पे लगते हैं तो आज नहीं तो कल वो हमसे फिर से ऑटो ले लेगा और हमारा काम छीन लेगा। इसलिए जो हमने अपने लिए पैसे जोड़े हुए थे उससे हमने अपनी ही ऑटो खरीदी और अब हम पहले से भी ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला। अरे नहीं नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, आपने तो हमें काम से निकाल के बहुत अच्छा किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप उस दिन हमें काम से नहीं निकालते तो आज हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। अच्छा आप अभी परेशान मत होइए, हम आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देते हैं। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.